अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैजान दोबारा फैजाना बैक टू बैक वीडियोस निकलेंगी बैक टू बैक मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक के बाद एक जल्दी जल्दी निकलेंगे आज का टॉपिक है टिप्स फॉर एक्सट्रैक्शन आई नो आप सब डेंटिस्ट हैं जो भी लोग देख रहे हैं या डेंटिस्ट बन रहे हैं किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है आप ओपीडी में भी सीखते हैं लेकिन ये चैनल मैंने वो क्या बताया था क्यों बनाए वो टिप्स सिखाने के लिए जो ओपीडी में इतना ज्यादा फोकस नहीं होता उन पर तो आज इस पर बात हो जाए कि टिप्स क्या हैं एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन के लिए दांत बगैर पेशेंट को मारे हुए पेशेंट की बोन तोड़े हुए पेशेंट की बहुत ब्लीडिंग करते हुए पेशेंट के टिश्यू को टेयर करते हुए दांत को ना तोड़ते हुए कैसे एक्सट्रैक्शन की जाए सबसे पहले एक बात कर लेते हैं इससे पहले कि हम दांत निकालने में बात करें लाइट होनी चाहिए वहाँ पे। प्लीज़ मेरी टिप एक और वीडियो बनाई थी मैंने उसको टिप्स पहले वो देख लें उसके बाद पर एक्सट्रैक्शन पर आ दें वेलकम टू ओ जो मैंने टिप्स थी ना Uh, जिससे पहले वाली वीडियो आई थिंक यहाँ लिंक दे दूंगा मैं तो वो पहले देख लें ताकि उसके बाद ये देखेंगे कि तो ज़्यादा समझ आएगा फिर भी जरा से मैं तेज से बता देता हूँ नंबर वन लाइट आनी चाहिए नज़र अगर नज़र नहीं आ रहा तो दांत टूटेगा दूसरा चेयर पोजिशन किताब में लिखा हुआ है अगर अगर उसके मैग्जिलरी दान निकालना है तो थोड़ा सा पीछे होगा वो और आप सामने से निकालेंगे और अगर मैं मैंडिबल निकालना है तो वो बैठा हुआ होगा और आप उसके राइट right साइड पे आएंगे अगर आपने ये वाला दान निकालना है अगर यहाँ से निकालना है तो आप सामने से करेंगे लेकिन पेशेंट का मुंह भी राइट लेफ्ट करना ज़रूरी है अगर फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं और ये वाला वालेदान निकाल रहे हैं अब वहाँ से आप यूँ क्यों आ रहे हैं इसका मुंह टेक्नोलॉजी है हर इंसान में इसको यूँ पकड़ें <laughs> और फिर काम कर लें एटलीस्ट सामने नज़र है आपका हाथ यूँ करके ना आ रहा हो ज़्यादा एनी चेयर पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट होनी चाहिए नजर आ रहा हो ताकि आप क्या कर रहे हैं सेक्शन अच्छी होनी चाहिए ये सब चीज़ें हो गई बेसिक्स जो हर प्रोसीजर के लिए नॉट जस्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ मैं बस बता रहा हूँ कि आपका काम और मुश्किल हो जाएगा अगर ये बेसिक्स ही पूरी नहीं होगी अब पे। one, आप आज दांत निकाल लेते रूल नंबर वन दांत आप खींचते नहीं हैं दांत को आप खींच के जो मूवी में दिखाते हैं ना कि एक टांग जो है ना उसके आपने चेस्ट पे रखी हुई है एक हाथ आप दूसरी टांग आपने हेड रेस पे रखी हुई और आप खींचे ना दांत ऐसा सारी मूवीज में होता है दिस इज़ नॉट रियलिटी आपको दांत निकालना है ईज आउट करके दांत को ढीला करना है बोंद के अंदर ताकि वो आराम से बाहर आ जाए ये बेसिक्स पूरी हो गए अब आ जाएँ आप एनएसीजिया पर आप तभी आराम से काम कर सकते हैं अगर पेशेंट सुकून में बैठा हुआ अगर पेशेंट सुकून में नहीं है तो आप एक्सट्रैक्शन सही तरह नहीं कर सकते और दांत टूटेगा टेंशन में या आप गुस्से से तोड़ेंगे क्योंकि निकल नहीं रहा या पेशेंट की वजह से तोड़ेंगे क्योंकि पेशेंट हिल रहा है क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा है एनेस्थीजिया फुली इफेक्टिव होना चाहिए प्रोफाउंड एनेस्थीजिया होगा तब आपका जो है ना दांत आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर एनेस्तीजिया इफेक्टिव नहीं है तो पहले आप एनेस्थिजिया और दे दें पहले आप स्प्रे दे दें दे दे या आप कोई टॉपिकल दे दें दे। जब वो दे दिया इफेक्टिव हो गया तो आपने नील से इंजेक्ट किया और उसका नम कर दिया जगह अच्छी खासी नम हो गई है और उसका अब आप ट्राई करेंगे हल्का सा कोई एलिवेटर या फोट्सअप को ज़रा सा लगाया उससे से दर्द वर्द नहीं हो रहा देन यू कैन प्रोसीड अगर आपने उसको काम लगाया कोई फोट्सअप या कोई एलिवेटर कुछ भी लगाया और उसको पेन है तो रुक जाए और एनसीजा दे दें एनसीजिया फ्री है एटलीस्ट ओपीडी में तो फ्री ना क्लिनिक पर भी ये नहीं हो सकता है कि जी एन जो है ना अब लैडो के शॉर्ट है मार्केट में अब सर वो अब आठ हज़ार रुपये का एक एक बॉक्स आ रहा है अब हम लगाते हैं आधा एन एस्तीजियाँ जितना हो गया इफेक्टिव उसकी मर्जी ऐसा कोई सीन नहीं है एनएसीजा आपको देना ज़रूरी है अगर एन इफेक्टिव काफ़ी दफ़ा तो होता है कि नहीं हो रहा इतना बड़े सूजन इतनी बड़ी सूजन आप वैसे भी नहीं निकालेंगे आप उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि सूजन कम हो जाए जब सूजन कम हो जाएगी इसका मतलब एन ज़्यादा इफेक्टिव हो गया ज़्यादा चांसेज है एन एस इफेक्टिव होने के अगर बीच में कहीं आ गया कि यार थोड़ा बहुत माइल्ड बेलेवर पेन है एन एसा काफ़ी सारा दे दिया और एंटीबायोटिक भी एक हफ्ता ले लिया और आपको आज करना ही करना है तो आप बीच में भी एन एस दे सकते हैं आप इंटरा पलपल भी एन एसा दे सकते हैं आप इंट्रा लिगामेंट्री भी दे सकते हैं, हैं आप दोनों रूट्स के बीच में जाकर बोन में जाकर एन एस दे सकते हैं ताकि अफेक्टिव हो ज़्यादा वो होगा तो पेशेंट थोड़ा सुकून में होगा यू कैन फोकस नॉट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट देन यू कैन फोकस ऑन द टूथ दैट मीन्स टू बी एक्सट्रैक्टेड मेरे हमेशा पॉइंट्स में आगे पीछे होता हूँ बट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले यू आर एज गुड एज योर इंस्ट्रूमेंट्स तो अगर आपने एक्स्ट्रैक्शंस करनी है क्लिनिक पे जो कि एज़ एवरी वन आपके पास अच्छे स्ट्रेट एलिवेटर्स होने चाहिए अच्छे वॉरवे होने चाहिए पतले किस्म के हर किस्म के एक दो अलग अलग कंपनी से कर लें कुछ लोग बहुत पतले बनाते हैं कुछ लोग उससे मोटे बनाते हैं वॉर्वे के होते हैं लेकिन हर बंद अलग बना रहा होता है और स्टेट एलिवेटर के दो तीन सेट हों अलग अलग पतले भी मोटे भी उससे मोटे उससे पतले सब हों क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है और मोटा वाला एक एलिवेटर है कि जी एलिवेटर मेरे पास तो सिर्फ एक एलिवेटर होता है गाड़ी के भी पचास मॉडल आते हैं हॉन्डा करोला एक्स एल आई जी एल आई उसके बाद सलून उसके बाद ए सी सलून पता नहीं कितने तो एक एलिवेटर का ये मतलब नहीं स्टेट सर नहीं ने कहा था डॉक्टर फज़ान ने एलिवेटर होना चाहिए दिस इज एलिवेटर देर आर हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर यू शुड हैव एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम वाई बिकॉज अगर आपके पास सबसे मोटा वाला होगा और मैंने आपसे कहा था कि एलिवेटर लगाए एलिवेटर लगाया और मैं यूँ किया साथ वाला दाँत वहाँ जाएगा ये वाला दांत यहाँ जाएगा और पहली बात यह इंस्ट्रूमेंट जाएगा ही नहीं बीच में क्योंकि बहुत मोटा है फिर आप और लगाएंगे और आप तोड़ देंगे डॉक्टर ने एलिवेटर लगाने को अजीब आता नहीं उनको कुछ एक बोनस आपको टिप दू मैं प्लीज एक जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स का सेट मंगा रहे हो ना तो उसमें एपिकल फोर्सेप एपिकल एलिवेटर जरूर होना चाहिए वो पता है क्या डाइकैल एप्लीकेटर जैसा होता है बट एंड में जो है ना वो चिजल टाइप होती है ताकि वो अगर कोई पीस टूट जाए वो होता है ना फाइल से जाके आप करके निकाल सकते हैं दांत का जो छोटा सा पीस रह गया पीछे बी डी की टूट गई है और पीछे छोटा सा पीस रह गया तो आप फाइल डाल के निकाल सकते हैं तो वो एलिवेटर यूँ पतला सा पूरा ढूंढता वहाँ जाता है वो करके निकाल के शार्प सा पीस को बाहर ले आता है बहुत मरतबा तो वो गोल्ड है प्लीज वो रख लें उसके बगैर मैं आई फील अनकम्फर्टेबल एक्सट्रैक्टिंग टीथ अब आ जाए एक्सट्रैक्शन पर रूल नंबर वन पेशेंस चाहिए आपको सबसे ज़्यादा जो पेशेंस चाहिए वो पेशेंट को नहीं चाहिए वो डॉक्टर को पेशेंस चाहिए क्यों क्योंकि आप लोगों का जो है ना इमपेश उसकी वजह से दान टूटता है मैं आपको बताता हूँ क्या है आप ओ पी डी में दांत निकाल लो तो सर एलिवेटर लगा सर नहीं आ रहा फोर्स लगाया सर नहीं आ रहा फिर जोर लगाएंगे और वो टूट जाएगा पेशेंस पर इंस्ट्रूमेंट आपने अपना इंक्रीज करना है आपने एलिवेटर लगाया घुमाया अब आप वेट करें वेट करें ताकि फाइबर्स टूटें जब फाइबर टूटेंगे तो वो बोन के साथ इतना दांत अब अटैच नहीं है तो इट इज़ मोर मोबाइल देन बिफोर और इट इज़ नाउ मोबाइल तो फिर आप फोर्सअप पकड़ सकते हैं बाकी मूवमेंट्स करने के लिए तो सबसे पहले लगेगा एलिवेटर ही जहाँ आपको स्पेस uh, दांत के बीच में मिल रही है अगर बी डी आर है और बोन के अंदर ऑफकोर्स तब आपको और प्रोसीजर तरीका अपनाएंगे करने का लेकिन अगर एलिवेटर की जगह है तो आप पहले एलिवेटर लगाएंगे ताकि दांत को थोड़ा सा लेग्जेड करें और लगा के छोड़ना है थोड़ी देर वेट ऐसा लगे आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट न्यू हुआ हुआ है तो आपको पता है कि प्रेशर पड़ रहा है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों आपने वो देखी है स्पाइडरमैन ब्रिज के ऊपर होता है सारी स्पाइडरमैन एक जैसी होती हैं एक तरफ मेरी जेन वॉटरन लटकी होती है वॉटर वाटसन लटकी होती है और दूसरी तरफ एक स्कूल के बच्चे बस में फंसे हुए होते हैं वो दोनों ब्रिज के दोनों दो तरफ दो दो गिर रहे होते हैं वो दोनों को भी पकड़ा होता है स्पाइडर मैन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के फाइबर्स टूट रहे होते हैं यही क्लाइमैक्स है ना मूवी का कि कोई एक चीज़ गिरेगी दैट इज वॉट वी वॉन्ट कि आपने कोई एलिवेटर या कोई फोर्ट लगाया मूवमेंट करी और अब आप रुके हुए नाउ यू आर वेटिंग फॉर द फाइबर्स पी डी एल फाइबर्स ना उसके एयरकिन वो टूटें जब वो टूटेंगे लूजन होंगे तो फिर अब वो अपनी ओरिजिनल पेशेंट में जा ही नहीं सकते उनके अंदर इलास्टिसिटी है ही नहीं तो दांत हिलना शुरू हो जाएगा क्या समझे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रबर बैंड है आप पूरा दिन यूं यूं करते रहें उसको कुछ नहीं होगा दस साल भी लगे रहेंगे तो कोई फर नहीं पड़ेगा तो दांत भी नहीं निकलेगा फिर सर सर आ नहीं रहा सर आ नहीं रहा अरे भाई लगाओ और छोड़ दो इलास्टिसिटी खत्म होने दें उसकी तो फिर दांत निकल आएगा लास्ट पॉइंट नंबर वन पेशेंस पर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज करें पॉइंट नंबर टू उंगली जो है ना आपका हाथ यूँ लगा के ना जिस तरह सेक्शन में जो असिस्टेंट है मैंने उसको बोला कि फोर हैंडेड डेंटिस्ट्री होती है <laughs> टांगे भी इस्तेमाल कर रहा है मैंने असिस्टेंट को बोला भाई कि फोर हैंडेड डेंटिस्ट्री होती है दो हाथ आपके इस्तेमाल होते हैं और दो हाथ उसके होते हैं आप क्या करते हैं फोर्सअप लगाते हैं एलिवेटर लगाते हैं दूसरा हाथ आपका फारेगा हवा में क्या है इसका रोल कोई तो रोल होगा ना इसका उंगली ये लिखा हुआ है किताब में लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको तो शायद आप यूज़ कर लें जो दांत निकालना है उसके बकर और लिंगो उसको यूं पकड़ेंगे जगह को और फिर एलिटरी फोर्स लगाएंगे वेक्सटाइल सेंसेशन क्योंकि ये आपका दांत किधर है बोन के अंदर तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस आ रही है इसका मतलब वो बोन पे रेजिस्टेंस आ रही है बोन टूटने के चांसेस हैं आपको पहले पता लग जाएगा वो से कि आप यूँ दांत निकालें बाहर निकाल दें बकर लिंग प्लेट पूरी आ गई दांत निकल गया कोई भी निकाल सकता है दांत वीडियो नहीं देखी आपने ऐसे ऐसे लोग बेचारे प्लास से दांत दांत तो कोई भी निकाल सकता है आपने निकालना है एट्रोमेटिकली ताकि आप बाद में उसमें प्लांट लगा सकें नहीं हो तो ब्रिज लगाए तो नीचे जगह हो बोन तो जरा अच्छा बनेगा अगर बिल्कुल ही कोलेप्स कर जाएगा तो वो जगह मुनासिब नहीं रहेगी कुछ टिप्स दे दूँ स्पेसिफिक दांतों के हिसाब से अगर दांत की गोल रूट है इसका मतलब वो गोल घूम सकती है राइट अगर मोलर है ये बहुत बेसिक है तो ऑफकोर्स उसके दो या तीन रूट्स हैं तो आप उसको घुमा नहीं सकते चांसेस ऑफ ब्रेकेज हंड्रेड परसेंट होंगे क्योंकि वो घूमेगा टूडी आएगा एंड बेस्ट ऑफ लक एक्सट्रैक्टिंग टीथ एलिवेटर डाला लेग्जेट किया एलिवेटर से निकलेगा नहीं, नहीं। क्योंकि एलिवेटर से आप लेगजेट यू करेंगे काफ़ी तो अभी आ भी सकता है बट आई वुड एडवाइस नॉट डालें यू करें लेगजेट हो गया अब आप फोर्सेप पकड़ सकते हैं ताकि उसको आप बकल और लिंगो थोड़ा सा मूवमेंट दे लें ठीक है लेकिन फोरसेप से तब आएगा जब दांत लग्जेटेड होगा फोरसेप सबसे पहले नहीं आएगा ये होगी पहली बात दूसरा अगर फॉर एग्जांपल आप प्री मोलर निकालें लोअर ऑर्थो के एक्सट्रैक्शन है डर लग रहा होता है ना कि यार दांत साबुत है टूट जाएगा क्या कुछ है ही नहीं ख़राब बाकी मुंह में दांत सही हैं तो कैसे निकालते हैं मुझे सिखाया था मेरे प्रिंसिपल जो थे उस वक्त डॉक्टर ईसा गोल्ड था मैं हर चीज़ लगाया हुआ था मैं हाउस ऑफिसर था वो आया उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा वो पकड़ो प्री मोलर फोर्स से पकड़ो मैंने पकड़ लिया पकड़ाया उन्होंने कहा कोई बकर बकर कुछ नहीं करना अभी उन्हें ये पकड़ें और मीजिल करें और डिस्टिल करें मीजिल करें रुक जाएं मैंने बताया था ना वेट डिशिल करें रुक जाएं दो तीन चार दफा करेंगे आप इन मैक्सिमम वन मिनट आपका दांत पानी की तरह बाहर आ जाएगा इतना लग्जेट हो जाएगा बाहर आ जाएंगे क्योंकि ओवर लूट होती है उसकी तो आप जरा से यू करेंगे यूँ करेंगे गोल के करीब होती है तो यूँ करें यू करेंगे वो बाहर आ जाएगा एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स कोई और मूवमेंट की जरूरत ही नहीं बगल उंगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वो दांत बाहर आ जाएगा मोलर के लिए टिप बहुत आसान है अगर बोन आपको लगे हार्ड है आपने दांत किया होता है ना यार सर बहुत देर से लगाऊँ लेकिन नहीं लग रहा है कि अभी भी हिल रहा है मैं हिल गया हूँ लेकिन दांत नहीं हिलाए तो आप क्या करेंगे सेक्शन जोर नहीं लगाना मोलर टूटेगा और वो अजाब होगा निकालना जब आपको लगे कि मोलर आपका बहुत स्टिफ हो है बहुत हार्ड है नहीं निकल रहा आप उसको सेक्शन करके आधा कर दें फिर आप मीजर अलग निकाल लेंगे डिस्टर अलग निकाल लेंगे और पैल्ट अलग निकाल लेंगे ये आप तब भी कर सकते हैं सेक्शन जब आपको लगे कि मोलर के अंदर इन्फेक्शन बहुत है और दर्द और उसको निकालते है एन के देने के बाद एक हफ्ता एंटीबायोटिक देने के बाद भी दांत निकाल लें लेकिन भी काफी दर्द है बट निकालना ही है तो क्या करेंगे आप सेक्शन कर दें क्योंकि जो उसको पेन होना था तीन बीडी निकालने में क्योंकि रूट्स थी ना मोलर की अब उसको होगा उसमें तो इट्स मच फॉर द पेशेंट और बर्दाश्त कर लेगा निकाल सकते हैं हम दान ठीक है जब फंसे मोलर में सेक्शन कर दें उसको आराम से तो अच्छा ये था अपर प्रीमोलर के लोअर प्रीमोलर में जब फंसे सेक्शन कर दें अब दो अलग हो गई बीडी अब दो बी डी अलग हो गई या दो आ, वो प्रीमूलर बन गए तो प्रीमूलर फोर्सेप में निकालें फिर मीजियल डिजिटल मीजियल डिजिटल बाहर लेग करने के बाद आखिरी बात अगर आप चैम्पियन होना चाहते हैं ना सर्जरी में एक्सट्रैक्शन में तो आपको ऑफकोर्स सर्जिकल काम तो आना ही है वाई बिकॉज बहुत दफ़ा जब आप थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन इज एक्चुअली मोर एट्रोमेटिक देन यू एक्सट्रैक्टिंग टीथ एटोमेटिकली को समझ आई थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ आपको दांत बहुत स्टिफ है नहीं निकल रहा आप ट्राई कर रहे हैं कर रहे हैं सेक्शन कर दिया अब तीनों टूट गए अब वो भी नहीं स्टिफ है वो भी नहीं निकल रहे है। अब क्या करें जब आपको लग रहा है ये सब कुछ होने वाला है तो आपको सर्जिकल एक्स्ट्रैक्शन आनी चाहिए है क्यों दांत किस में पसाव है बोन में पसाव है ना तो जब आप बोन को गटर बनाएंगे राइट लेफ्ट तो दांत बाहर आ जाएगा तो अगर आपको सर्जिकल एक्स्ट्रैक्शन आती हूँ तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कोई कुछ भी होगा पेट में भी होगा दांत में जरा सी बोन गटर करूँगा और दांत बाहर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ यू स्पेंडिंग आर्स एंड आर्स एंड वो हॉरेबल हो गया पेशेंट के लिए भी क्योंकि आपको गटर बनाना नहीं आता था तो अगर आपने सर्जिकल एक्सट्रैक्शन सीखनी है एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन सीखनी है आपको बैकग्राउंड में फुल नॉलेज होनी चाहिए और आना चाहिए सर्जिकल एक्स्ट्रैक्शन कैसे करना है जब दांत फंसे उसके इर्द गिर्द हल्का सा सबसे पतला वाला स्लो स्पीड का स्ट्रेट बर ले लें उससे गटर बना दें इसका मतलब बोन जो है दांत के आधे हिस्से से तोड़ गई है अब नीचे का पीस रह गया फिर एलिवेटर वहाँ लगाएंगे जहाँ गटर बनाया आपने और वेट फिर लगाए डीप वेट फिर डीप वेट अब ना इतना दांत था यहाँ तक एलिवेटर आपका पहुँच गया और इतना लगजेट हो गया इतना सही पीस रह गया ना आराम से निकल आएगा तो जब फँसें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन इज सेफर ऑप्शन टू तो एक्सट्रैक्ट टी थी ऑटोमेटिकली देन एक्चुअली ब्रेकिंग टीथ एंड देन दो घंटे उसमें लगे रहे पेशेंट के लिए भी अजाब है आपके लिए भी अजाब है और बाद में बकल बोन तोड़ते हुए आप पूरे बाहर निकाल लेंगे दांत को दांत निकल आया ठीक है थीके? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन का तो फिर आई वुड सजेस्ट कि चाहे आप अभी फ्रेश गायड हूँ या काफ़ी टाइम हो गया इसमें कुछ शर्म की बात हैं हर बंदे के लर्निंग का होगा आपने शादी थोड़ी करनी है हर बंदे से तो आप जाके किसी पब्लिक हॉस्पिटल में अटैचमेंट कर लें ऑफकोर्स अगर आप सीनियर हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान है यू जस्ट हैव टू पिकअ अ कॉल आपका ही को दोस्त के दोस्त का दोस्त वहाँ पे एच लगा होगा या कोई डेमो लगा होगा या कोई जानवाना निकल आएगा आप कहेंगे यार प्लीज मुझे थोड़ा तो हाथ साफ करना है आ, सर्जिकल एक्सट्राक्शन में तो बुला लेंगे फ्री में आप काम करना हो ना तो बस फ़ौरन रख लेंगे आपको ठीक तो है ना आप तो काम सीख लेंगे ना एंड जो बच्चे जो रिसेंट ग्रेड हैं या अंडर ग्रेड हैं फोकस करें जाके सीखें सिंपल सूचे आने चाहिए आपको वर्टिकल मैटर्स आपसे कोई नहीं कराने वाला ठीक है हॉर्जोंटल मैट्रेस इतने छोड़ दें कम अज कम आपको बेसिक सिंपल इंटरप्टेड सूचर आने चाहिए फॉर्म पकड़ने उसमें फिर हजार दफा प्रैक्टिस कर लें आपको आगे उसको अकेले में कर लें और एनी प्रैक्टिस कर लें तो अगर आगे वह प्रैक्टिस नहीं है सर्जिकल की किसी पब्लिक हॉस्पिटल में जाकर अटैचमेंट कर लें फ्री में कर लें लेकिन सीख लें एक और बात विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए अब वो एक प्रॉपर अलग वीडियो है मैं बना लूंगा किसी दिन भर आपको मैं एक दो टिप्स उसकी दे दूँ वर्क फ्लो के लिए मेरे पास अगले आती है आज विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन अभी आया है मैं कहूँगा एक एक्सरे ले लें अगर नहीं है एक्सरे कोई भी मेरे पास तो एक पी पी एक्सरे ले लूँगा पी एक्सरे लूँगा मुझे नज़र आया कि वो ओवरलैप कर रहा है ये नर्व जा रही है और ये दांत है तो मैं कहूँगा अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपका अभी आप एक काम करें कि आप इसको सी बी सी टी का ओ पी जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओपी जी इज़ द सेम थिंग बड़ा मुझे मुँह पूरा चाहिए ही नहीं मैंने पी ए में ले लिया ना आप ओपी जी इसलिए कराते हैं ताकि आपको नर्व की प्रॉक्सिमिटी नज़र आ जाए ओपजी इज़ लाइक अ बर्ड आई व्यू बट आपने जहाँ काम करना है वो तो पी ए से नज़र आता है ना तो आपने पीए में अगर आ गया दांत तो काफ़ी है पी अगर पीए में दांत नहीं है तो ओपी जी कराते हैं वैसे ओप जी नहीं चाहिए एनी वेज मैंने लिया उसमें लगा के ये दो रूट्स हैं और नर्व है मैं कहूँगा सी बी सी टी कराएँ सी टी स्कैन कराएँ तो मुझे नज़र आ जाएगा कि साइड से कि यार ये ओ अच्छा नर्व सामने मैं आराम से दान निकाल लूँगा या नर्व यहाँ है देखने में तो यूँ ही लग रही है ना को मस्ता नहीं मैं दान निकाल लूँगा लेकिन अगर नर्व वाकई में यूँ है तो मैं दान नहीं निकालने वाला क्योंकि जब मैं निकालूंगा तो नर्व कट हो सकती है नर्व डैमेज हो सकता है ना आई डोंट वॉन्ट दैट हमारे यहाँ यूजली क्या सिखाया जाता है ये तो, ये तो जीए का केस है ओ भाई अगर आप लोकल में नर्व तो वही है ना चाहे जीए में हो लोकल में क्या फ़र्क पड़ता है अगर डॉक्टर के स्किल लेवल नहीं है कि वो नर्व को अवॉइड करके जीए में निकालेगा तो वही डॉक्टर आपका जीए में ही नर्व डैमेज करेगा जो लोकल में करना है नर्व तो वही है ना तो इंस्टेड ऑफ यू डैमेजिंग दैट और टेकिंग दैट रिस्क विच इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादातर लोग जो हैं वो नर्व ट्रांसपोजिशन उनको वो आते नहीं है कि वो ये दांत निकालेंगे तो नर्व नज़र आ रही होगी उसको पकड़ के अलग कर देंगे बी डी निकाल देंगे यूजली दैट इज़ वॉट दे मीन बट दिस इज़ नॉट वॉट वी मीन हम बता बोलेंगे जी में होगा किसी को हमें रटाया हुआ ये अगर आपको लगे कि नस के साथ है वो या जुड़ा हुआ है या नस दांत के रूट्स के बीच में से होती भी जा रही है मत निकालें कोर एक्ट सीखें मैंने इस पर वीडियो बनाई है वो जाके देख लें वरना आर्टिकल्स पढ़ लें ऊपर क्राउन कट कर देते हैं और नीचे वाले पल्ब को छोड़ देते हैं अगर इन्फेक्टेड नहीं है और ऊपर से बंद कर देते हैं छोड़ दे। थोड़ दे। थोड़ दें थोड़ी देर में ऊपर आता है नर्व से दूर हो जाएगा तो फिर आप निकाल दें अगर नहीं आता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा चांसेस और इन्फेक्शन वेरी लो तो प्लीज़ सीखें ये मेरा वर्क फ्लो है आया नर्व के नहीं है करीब निकाल दूंगा अगर है सी बी सी टी और फिर भी नज़र आया तो मैं कोरोना कर दूँगा ठीक है आई होप दैट दॉज हेल्पफुल एंड दैट्स दैट मिलते हैं ब्रेक के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें यूट्यूब से सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग